बहुत बहुत धर्मला भागशाली प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम देशना के अंदर पहले अध्याय में विनय गुण की बात की और अब दूसरा अध्ययन जो चल रहा है यहाँ पर ये अध्ययन है दूसरा एक एक अध्ययन चेंज होंगे और दूसरा अध्ययन का नाम यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर यह परिसह अध्ययन जो है कि जिसके अंदर 22 प्रकार के परिसहों का विशेष विवेचन होगा तो ये जो है क्या जरूर है, क्यों हमें आवश्यक लगता है, इसका थोड़ा सा विस्तार से हम वर्णन करेंगे। यहाँ सबसे पहली बात हमको ये समझनी जरूरी है कि आखिर ये आत्मा के साथ क्यों जोड़ा है इसको। तो यहाँ मुख्य हेतु ये समझाया है, विजय भाई स्पॉटलाइट आप इधर करेंगे तो होगा। स्पॉटलाइट जो है ना वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। हाँ जी बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जिस तरह से सहन करना आत्मा का गुण है, भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष के जीवन काल में कितना सहन किया, संसार छोड़ दिया, दीक्षा लेकर साधु जीवन में जब आए तो महावीर स्वामी अपने जीवन काल में कितना सहन किया होगा। अब उसमें सहन करने से महावीर स्वामी को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? महावीर स्वामी इतना सहन नहीं करते तो क्या नुकसान था, सहन करते हैं तो क्या फायदा है? और मात्र महावीर स्वामी के ही जीवन की बात नहीं है, हमारे अपने सबके प्रत्येक के जीवन की बात। तो महावीर एक बात तो जरूर कह रहे हैं कि सहन शक्ति आत्मा के अंदर बहुत बड़ी है, अनंत सहन शक्ति पड़ी हुई है। देखिए आत्मा के अंदर अनंत वीर्य गुण है, अब वो अनंत वीर्य गुण जब जिस गुण में जा करके सहयोग करेगा, ये अंदर जो है अनंत वीर्य की शक्ति है। अब ये वीर्य शक्ति आत्मा किस में उपयोग करे, किस गुण में उपयोग करे, दिस इज वन टाइप ऑफ द पावर हाउस। अब ग्रेड से जो पावर हाउस है वो अनंत शक्ति है, अब ये यहां से किसी ना किसी गुण में प्रकट करे तो अच्छी बात है। सब गुण है अंदर आत्मा में पड़े हैं, लेकिन अगर आत्मा अपने गुण में उस शक्ति का उपयोग नहीं करेगी तो कर्म में जाएगी, तो फिर कर्म बांधने में कर लेगी। ये गुण अंदर पड़ा है आत्मा के अंदर, ये सहन करने का गुण पड़ा है, ये सहन शक्ति का गुण पड़ा है और इसी के ऊपर आवरणीय कर्म है ये। अब ये आवरणीय कर्म है, इतना होते हुए भी अभी भी हमारी सहन शक्ति का गुण नष्ट नहीं हुआ है। कोई भी गुण नष्ट नहीं होता है, अंदर सत्ता में है, लेकिन अगर मैं इस गुण का उपयोग मेरे कर्म में कर रहा हूं तो फिर कर्म ही इसमें से बाहर निकलेगा, कर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और इतने भाग में भी अगर गुण पड़ा है और मैं इस सहन शक्ति के गुण में अगर मेरी एनर्जी यूज करता हूं तो गुण बढ़ेगा, गुण बढ़ेगा तो आवरणीय कर्म घटेंगे साथ, फिर इसके साथ जो भी है अब ये बढ़ गया इधर से तो इधर फिर हमारे कसाय भाव जो है वो बढ़ेगी।
ये बढ़ गया इधर तो राग द्वेष बढ़ जाएंगे। फिर राग द्वेष बढ़ गए तो फिर क्लेश करता है, फिर कर्म बंद, फिर नए कर्म, फिर नए कर्म, फिर ये चक्कर चालू हो जाएगा साहब। अब ये कर्म तो वापिस इसको इसको और बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे, ऐसे करने जाएंगे तो सब कर्म बढ़ जाएंगे। आखिर तो राग द्वेष ही मूल में, राग द्वेष मूल में, क्लेश कसा है मूल में, तो और कर्म बढ़ते जाएंगे, और कर्म बढ़ते जाएंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए लीजिए, महावीर स्वामी के सामने संगम आया, संगम ने उपसर्ग किए, गौशाला आया, गौशाले ने उपसर्ग किए, ग्वाला आया, ग्वाले ने उपसर्ग किए, चंड कौशिक सांप आया, वो भी काट करके महावीर स्वामी को मारना चाहता था। अब ये सारे निमित्त आए, अब इन सब प्रकार के निमित्तों के कारण जो है कर्म परिस्थिति कैसी हो, कितने भारी कर्म का बंध होता जाए, अब करना क्या, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, अनंत अनंत जन्मों में, अनंत अनंत भव में आत्मा जो है हमेशा अपनी वीर्य शक्ति का उपयोग कर्म बांधने में करता रहे। अब हमको समझाना है कि हे आत्मन, सहन करना ये आत्मा का गुण है, तो शक्ति का उपयोग उसमें करो, तो हमको ये सब कर्म नहीं बंधेंगे साहब, ऊपर से कर्मों की निद्रा बढ़ जाएगी। तो ये जो सभी कर्म हम बांध रहे हैं ये न बांधना पड़े हमको, और अंदर से आत्मा ये समझ जाए कि भी मेरे अंदर जो शक्ति पड़ी है अब मैं इसका उपयोग करके मैं सहन करने की कोशिश करूं। अगर मैं सहन करने के अंदर अपनी क्रिया में गुण का उपयोग करता हूं, ये गुण अगर इसमें उपयोग करता हूं, तो कितने कर्मों को नया बांधने से मैं बच जाऊंगा और कितने पुराने बंधे हुए कर्मों की निद्रा करूंगा। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा है कि परिसह, अब जो जीवन के अंदर जितने परिसह आएंगे उन सब परिसहों की बात अगर हम करने जाए तो कितने परिसह हैं, अब ये सब मिलाकर के 22 प्रकार के परिसह दिए। अब इन 22 प्रकार के परिसहों में, अब हम संसार साधु जीवन में है या आप इस श्रावक जीवन में हो, तो हमको इन 22 प्रकार के परिसहों में यहां से आप चलते चलते बरोबर देखिए हमें सहन करना है। बस अब सहन करने में कोई लिमिट नहीं होती है। हर व्यक्ति पहला सोचेगा मैं कितना सहन करूं, मैं कितना सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं, ये हमारा राग द्वेष अहंकार का भाव मान कसा ये सहन करने भी नहीं देगा। बस ये परिस्थिति है, सहन करने नहीं देगा, वो पड़ा है अंदर, अहंकार है, वो कसाय आदि भाव है, वो बढ़ेगा फिर तो नए कर्म बांधते जाओ, फिर क्लेश कसाय होते जाएंगे, फिर राग द्वेष बढ़ते जाएंगे, फिर भव बढ़ते जाएंगे, फिर संसार बढ़ता जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम कर्म बांधते, ये तो अनंत भव चलता रहेगा, ऐसे ही संसार चला है, अनंत जन्मों तक इसी तरह से संसार चलता रहा है, अब क्या करना है। अब भी हमें समझना है कि नहीं, भगवान महावीर प्रभु अपनी तरफ से संसार वास का त्याग करने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं, और आज उनका अंतिम दिन है, और प्रभु उपदेश दे करके सब जीवों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने, भगवान ने कहा है
उनके शब्द यहाँ पर ये देखिए, स्वयं में आउ संतेरम भगवया एवं अखायम यह खलु बावि सम परिसहा समणेनम भगवया महावीरण काशवेण भवेया जे भिक्खु सोचा नचा चिचा अभिभूय भिक्खा यरियाए परिवयंतो बुढ़ो नो विहने जान। तो यहाँ पर कौन कह रहे हैं, ये सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, तेरम भगवया एवं अखायम। भगवान महावीर के मुख्य शिष्य सुधर्मा स्वामी है, उनके शिष्य जम्बू स्वामी है। जम्बू स्वामी ने पूछा है कि परमात्मा महावीर प्रभु ने क्या कहा है, उसी उत्तर में लैंग्वेज का उपयोग करते हुए यहाँ पर महावीर स्वामी के शब्दों का लेकर के और सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, सुनम में आउ सन तेनम भगवया एवं अखायम। हे आयुष्मान जम्बू कुमार सुनिए, भगवान महावीर ने ऐसा कहा है। अब ये कह करके वो भगवान के ही ओरिजिनल शब्दों को बरोबर लक्ष्य में लेकर के कर रहे हैं साहब, क्या लाए करें, तो और दूसरी कोई बात ही नहीं करनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। तेणम भगवया एवं अखाया, उन परमात्मा महावीर प्रभु ने ऐसा 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 कहा है। अब ऐसा कहा है तो क्या क्या कहा है, कह रहे खरु ते बावी सब परिसहा समणे नम भगवया महावीर नम काश्वे नम पवैया जे भी खुद सुच्चा नच्चा जिच्चा विभूय विखाय अलियाय परिवहन तो पुठो नो विहने जा। ऐसे कौन से 22 परिसह परमात्मा महावीर प्रभु ने बताए हैं कि जिनको आप पालन करते आचरण करते जीव जो है वो अपनी तरफ से कर्म बंध से बच जाए, संसार के निमित्तों से बचे सब। तो ऐसा लिस्ट दिया है वो ये बाहर के 22 में जो यहाँ पर आपको डायग्राम में बता रहा हूँ वो अलग अलग है। दिगिच्छा परिसहे, दिगिच्छा परिसहे, विवासा परिसहे, सिय परिसहे, कुसिन परिसहे, दंसम सह परिसहे, अचेल परिसहे, अरई परिसहे, इथि परिसहे, चरिया परिसहे, निशिहिया परिसहे, सिज्जा परिसहे, उकोस परिसहे, वह परिसहे, जायणा परिसहे, अलाभ परिसहे, रोग परिसहे, तनफास परिसहे, जल परिसहे, सकार पुकार पुरकार परिसहे, पन्ना परिसहे, अन्नान परिसहे, दंसन परिसहे। और इस तरह से ये 22 परिसों का लिस्ट जो दिया है यहाँ पर गाथा के अंदर पाठ में मैंने बताया आपको। अब वन बाय वन एक एक करके इन सब के बारे में विशेष बात की जाएगी साहब। तो ये जो अलग अलग प्रकार से ऐसे परिसर हैं, अब इनके सहन करने से क्या फायदा क्या नुकसान, फायदा तो आत्मा को ही है, नुकसान भी आत्मा को ही है। नुकसान में कर्मों का बंद होगा, फायदा में कर्मों के निद्रा होगी, नए कर्म का बंद नहीं होगा। परिसर सहन करना यह संवर का भेद है। जो हमने देखे कि 57 भेद जो संवर धर्म के लिए हैं उनमें 57 में 22 प्रकार इसके भी हैं। तो ये जो 22 परिस है संवर भाव, तो संवर भाव के अंदर क्या होगा, नए कर्मों का आगमन रुकेगा, नए कर्म बंधने से बचेंगे, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो अब उसका अपोजिट देख लो, अगर इन परिसों को हमने सहन नहीं किया तो नए कर्मों का बंध होता रहेगा, ये अनादि अनंत काल से हम करते ही आ रहे। जैसे जैसे ये निमित्त आएंगे आप 22 का लिस्ट सुनेंगे तो जो लोगों को पसंद ही नहीं आता कि ये मैं क्यों सहन करूं, क्योंकि अंदर हमारे राग द्वेष क्रोध मान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो सहन करने नहीं देते हैं था। तुरंत रिएक्शन आता है, इमीजिएट रिएक्शन आता है, क्रोध आता है, मान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है,
मैं क्यों सहन करूं, सब कुछ मैं ही क्यों सहन करूं, क्या जरूरी है कि मैं ही सहन करूं? करें वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, मैं भी क्यों? तो हमेशा ये अहंकार हमारे में ज्यादा बढ़ जाता है तो भाव नहीं बनते। लेकिन एक बार अगर आप आत्मलक्षी बन गए, मुझे दूसरों का किसी का कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले मुझे मेरी आत्मा का सोचना है, पहले सबसे पहले मुझे मेरी आत्मा का देखना है, मुझे कर्म बंद हो और भव बढ़े ऐसा नहीं करना है। तो ये जब मैंने ये परिसर सहन नहीं किया, ये इसका कर्म बंधा, इधर से ये सहन नहीं किया, ये इसका कर्म बंधा, ये सहन नहीं किया, ये मैंने काम दिया, ये सहन नहीं किया, इसका कर्म बंधा। अब ये तो जीवन में रोज प्रसंग तो आने ही वाले हैं, अब ऐसे कितने निमित्तों को लेकर के आप ऐसे कितने निमित्तों को लेकर के आप नहीं सहन, नहीं मैं सहन नहीं करूंगा, नहीं मैं सहन नहीं करूंगा, मुझे सहन नहीं करना है, मैं क्यों इतना सहन करूंगा? फिर वो अंदर से अहंकार उठता है, आई एम ऑल्सो समथिंग, नहीं नहीं मैं भी तो कुछ हूं ना, मैं ऐसी बात मैं भी तो सुना दूंगा। अब ये सब वापिस कर्म का बंद चक्कर चालू, अब ये कर्म बढ़ते जाएंगे, अगर ऐसे ही कर्म बढ़ते गए, फिर कर्म बढ़ते गए, फिर कर्म बढ़ते गए, तो फिर तो पावा बहुत संसार की परंपरा चलती रहेगी। जो अनंत जीवों का संसार चल रहा है वो मेरा भी चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, सबका चल रहा है मेरा चलेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करना, मैं अपने कर्म निद्रा नहीं कर सकता हूं, मैं स्वयं अपना कर्म क्षय नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं मैं, ये मुझे सोचना है। यहां पर तो सहन करने से आत्मा का तो नुकसान नहीं हो रहा है, अब आत्मभाव तो मैंने समझ लिया है, आत्मा का द्रव्य से अस्तित्व जो है जैसा है अनादिकाल से है, भविष्य के अनंत काल तक रहने वाला है, आत्मा का एक भी प्रदेश इसमें से नष्ट होने वाला नहीं है, आत्मा का गुण भी कभी, एक भी गुण कभी संपूर्ण नष्ट होने वाला ही नहीं है, बराबर बना रहेगा। इसीलिए तो आत्मा का अस्तित्व त्रिकाल नित्य शाश्वत क्यों हम बता रहे हैं, क्यों आ रही है, मुख्य हेतु तो यही है ना। अब ये जो मुख्य उद्देश्य है, अब इसको हम लक्ष्य में परिलक्षित कर लेते हैं, त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व है, कोई आत्मा का अस्तित्व अनंत 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 काल में भी कोई नष्ट नहीं होगा, और न द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा तो गुण का भी अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। द्रव्य रूप से भी आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है, तो गुण स्वरूप से भी आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है, एक भी गुण नष्ट होने वाला ही नहीं है। अब हो रहा है क्या, गुण के ऊपर आवरणीय कर्म आ रहे, आवरणीय कर्म आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ऐसा कितनी बार हो रहा है, अनंत 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 बार होता रहे। अब क्या करना भाई साहब, ये तो अनंत अनंत बार चक्कर चल रहा है, फिर भी आत्मा का अस्तित्व बरोबर बना रहा है, ये हम स्वरूप समझ लेते हैं, बरोबर अध्यात्म भाव हमें आपको ख्याल में आ जाता है, अब हम कर्म क्षय करें। अब संवर भाव में आ गए, 22 परिसर के निमित्त हमारे सराउंडिंग संसार में रोज के हैं, प्रत्येक प्रकार के निमित्त हैं। अब मैं रोज कर्म मानता रहूं, फिर रोज कर्म मानता रहूं, फिर रोज कर्म मानता रहूं, तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा हुआ, फिर रोज कर्म बांधने का मतलब क्या रहा? तो अब मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, धर्म प्राप्त किया, मैं धर्म समझ रहा हूं, मैं धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं, और मैं आते आते संसार छोड़कर दीक्षा लेकर साधु जीवन में भी आ गया, अभी भी मुझे कर्म बांधना है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी
अब अंतिम देशना में ये उद्देश्य रख करके एक 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 बात हित शिक्षा देते हुए समझा रहे हैं कि हे आत्मन, अब नया कर्म नहीं बांधना है। आत्मार्थी उसी को कहेंगे, आत्मलक्षी उसी को कहेंगे, अब नया कर्म नहीं बांधना है और पुराने कर्म रखने नहीं है। क्या परिसह, क्या निखिल भाई, मुझे ख्याल नहीं आया। नहीं, पारुल बेन ने पूछा था परिसह का इंग्लिश मीनिंग क्या है। आई थिंक इट्स उपसर्ग, जो ऑब्स्टेकल्स ट्रबल्स, ट्रबल आती है वो, राइट? नहीं, सहन। अभी खाली खाली उपसर्ग मत शब्द रखिए, अभी परिसह भी है, परिसह में छोटे छोटे उपसर्ग बहुत बड़े हैं। सहन, द टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, हम अपनी तरफ से अंदर से कितना सहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस तरह से सहन करने के पहले तो भाव बनना चाहिए ना, एक अंदर से संकल्प है, अंदर से आत्मा में दृढ़ संकल्प इतना बन जाए कि नहीं, मैं सहन करूँगा, हर हालत में सहन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी नौबत आ जाए, मैं अच्छी तरह से शांति से सहन कर लूंगा। अब ये उद्देश्य अगर मैं बता देता हूँ, बना लेता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, दिगिच्छा परिसह, अब ये अलग अलग प्रकार के जितने जो जो परिसर रखे हैं, तो ये अपना हेतु पहले आप अंदर से समझ जाए, समझे। तो देखिए, भूख प्यास तो सबको लगने वाली है, क्षुधा परिसह भी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने परिसहों का ये जो लिस्ट है, इनके अंदर से आपको ये देखना है, ये भूख प्यास की बात आ गई। अब सबके पास शरीर है, अपना पेट है साहब, सर जी, कैन यू जस्ट टेल, परीक्षा इज टॉलरेंस और इज इट ऑब्स्टिकल्स? टॉलरेंस, टॉलरेंस, परीक्षा इट इज ऑब्स्टिकल्स, लेकिन अंदर जो सहन करने की शक्ति है वो टॉलरेंस कैपेसिटी। इनका नाम दिया है बाहर परिसर, तो 22 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स विल कम, नो डाउट, ये तो आने ही वाले हैं। आप अपनी शक्ति को देखिए अंदर से, ये अगर एनर्जी आपके अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी पड़ी है, तो व्हाटएवर टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स विल कम, यू कैन अवॉइड दैट, यू विल नॉट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग। अभी निखिल भाई ने छठ का पचखान लिया, दो उपवास का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। इट इज द फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर शरीर का अपना गुणधर्म है, भूख प्यास ये शरीर के हैं सब। लेकिन आई एम दैट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल फीलिंग, आत्मा उपवास कर रही है, शरीर नहीं कर रहा है। भूख प्यास शरीर में है, कोई ना नहीं है, लेकिन मैं उसको सहन कर सकता हूं। आई कैन प्रोलॉन्ग फॉर द फ्यू टाइम, यू सी, मैं दो दिन का छठ लेकर के संकल्प से पचखान में हूं, तो मैं भूख प्यास आएगी जाएगी लगेगी, लेकिन इट विल नॉट डिस्टर्ब मी। क्या है ये, मुझे राग द्वेष नहीं कराएगी, कसाय नहीं कराएगी। अब मेरे सामने 10 जने खा रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पचखान प्रतिज्ञा में, मैं दूसरों को खाते देखकर मुझे खाने की इच्छा नहीं हो जाएगी, मैं खाने का विचार नहीं करूंगा, ये विशेषता आ गई सामने। तो जब आपने ये मानसिकता बनाई या संकल्प बल बनाया, और दृढ़ संकल्प के साथ आपने प्रतिज्ञा की है, तो शरीर के गुण धर्म है, शरीर का नेचर जो है, अब वो मैं आत्मा के ऊपर हावी नहीं होना देना चाहता हूँ,
भूख प्यास तो शरीर के लिए अनिवार्य लगने ही वाली है। कोई पचकान लेने से भूख प्यास कोई नहीं लगती है मिट जाती है, ऐसा नहीं है। आखिर शरीर तो शरीर का काम करेगा ही करेगा, लेकिन मैं भूख प्यास के कारण आत्मा को अब नए कर्म बांधने नहीं दूंगा, मैं कर्म नहीं बांधूंगा। ये तो चलता रहेगा, ये तो होता रहेगा। अब मैं अपनी तरह से एक्टिव रहूंगा, धर्म आत्मा भी करूंगा, अपना मेरी जो जिम्मेदारी है समाज की, संसार की, व्यवहारिक है, वो भी करते रहूंगा। लेकिन हर बार बीच में भूख प्यास को बहाना बनाकर, निमित्त बनाकर, कारण बनाकर, नहीं 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 अब मेरे से ये नहीं होगा, नहीं आई विल नॉट डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू अटेंड द लेक्चर्स, आई एम नॉट डूइंग द सामायिक धर्म, आई एम नॉट गोइंग टू डू द पूजा वर्शिप, अभी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो बरोबर करेगा, रूटीन के हिसाब से अपनी क्रिया करता रहेगा, भूख प्यास के कारण वो अपनी तरफ से ना नहीं, ये विशेषता है। अब वो धीरे 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 आपके हैबिट में आ जाएगा तो बन जाएगा। आप मेरी बात करिए, मैं क्लासेस चलाता हूँ तो सूर्यास्त के बाद ही हो रही है। अब सूर्यास्त के समय हमको तो पानी, आहार पानी सब चुका के पचकान कर लेना है। अब तीन क्लास हो तो 3 घंटे हैं, अब मुझे तो नॉन स्टॉप बोलना ही है। लेकिन कभी ऐसा विचार नहीं आता है कि पानी पीना है, कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि चलो, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब जिंदगी भर के व्रत है, महाव्रत है, तो फिर क्यों विचार आए, करना ही नहीं है सब है तो है। तो इतने में संवर भाव तो रहा, सहन भी हो रहा है, प्रवचन भी है, वाचना भी है, और निद्रा हो रही है, तो क्यों नहीं होगी सब। तो ये आत्मलक्षी भाव है कि इतनी निद्रा करते ही जाना है और नए पाप कर्म नहीं मांगना है। अब जिंदगी भर खाना ही है ना, मृत्यु की अंतिम क्षण तक औदारिक शरीर है, तो लोग तो आहार निद्रा ही सोचेंगे, साथ सब आहार आदि की प्रवृत्ति में लगे रहेंगे। तो ये हम देखिए, सहन करने के लिए आत्मा के अंदर तो शक्ति पड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। महाव्रत तो साधु जीवन के है ना, आप अपने तरफ से संकल्प करो, आप ही कर सकते हो। रात्रि भोजन का त्याग ये आपका भी व्रत है, आप व्रत पचकान अपनी तरफ से करिए। उपवास शामिल तो जब करना है तब करना है, लेकिन ये तो कॉमन चीज है कि रात्रि भोजन नहीं करना है तो आजीवन पर्यंत रहना है। जो जिसको जिस तरीके से जिस प्रकार के व्रत आदि लेना है अपनी तरफ से करना है, मुख्यता इसकी है। तो ये भूख प्यास जो है दोनों परिसर के रूप में है। अब देखिए, समय तो बदलता रहेगा, समय तो आएगा, कभी समर सीजन आएगी, कभी विंटर सीजन आएगी, कभी रेनी सीजन आएगी, कभी विहार के दिन आएंगे। साधु जीवन है, अब मात्र साधु को ही सहन करना है, लेकिन साधु प्रधान है, इसलिए भगवान पहले साधुओं को कह रहे हैं। तो क्या गृहस्थों को पाप कर्म नहीं लगेगा? लगेगा, आखिर गृहस्थ भी तो आत्मा ही है, उनको भी कर्म बंद हो रहा है, तो वो भी अगर ये सोचे कि मैं इसमें से बच जाऊं तो आप भी सहन करिए। अभी निखिल भाई ने छठ का पचकान लिया है, तो क्या ये सहन नहीं करेंगे? सब गृहस्थ है, साधु नहीं है, श्रावक जीवन में है, तो करना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, ऐसे नहीं, वहाँ भी आपके यूएस में भी कर रहे हैं सर। तो ये निमित्त है कि भाई हम करते रहेंगे। प्लस पॉइंट फायदा क्या है, आपने सुधा और प्यास, भूख और प्यास को सहन किया, आहार पानी नहीं लिया, न दिन में लिया न रात में लिया। मैं पचकान आत्मा के लिए कर रहा हूँ, मैं करके दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, फिर रात को खा लो तो पाप कर्म 4 गुना और डबल पड़ जाएगा। आत्मा वंचना थोड़ी करनी है, मैं तो आत्मा जागृति भाव से कर्म क्षय के लिए कर रहा हूँ ना। तो इसके अंदर जो है मेरा भाव मेरे साथ में बना हुआ है। तो पुट्ठो पिभाषा ये दुगुण छी लज्ज संजय सियो दगम न सेवित जा वि अड़ से सनम चरे।
छिन्ना वेशु पंथेशु आऊरेशु विवासिये परिसुक्क मुहेदिने तम तिक्खे परिसहम। अब इसके अंदर दिन रात हो या सीजन बदले काल बदले जो भी जिस तरह से आएगा तो ये तो आते ही रहने वाला है। सीजन इज नॉट ए क्वेश्चन फॉर मी। समर सीजन भी आएगी तो भी मुझे तो सहन करना ही है, विंटर सीजन आए तो भी सवाल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर शीत उष्ण ये भी सहन करना है। हमारी लैंग्वेज में ठंडी गर्मी आप बोलिए साहब, विंटर सीजन आ गई ठंडी ज़्यादा लग रही है तो क्या करना है साहब। फिर अगर हम ध्यान में हैं, कायोत्सर्ग में हैं, स्वाध्याय में हैं, अपनी सामायिक में आराधना में हैं, अब ठंडी गर्मी लग गई तो क्या करना लगेगी। पूरी दुनिया के अंदर है ठंडी गर्मी, कहीं कहीं किस क्षेत्र में कहाँ ठंडी बढ़ती है, किस क्षेत्र में कहाँ गर्मी बढ़ती है, कहाँ स्नोफॉल होता है या कहाँ क्या होता है। आप अपनी तरह से अपने आराधना में जब रह रहे हो तो हमको ये सोचना है कि ये तो प्रकृति है और इसमें तो ठंडी गर्मी आना जाना तो होता ही रहेगा। मैं अगर न सहन कर सकूं तो मुझे देह भाव में जाना पड़ेगा, पुद्गल रागी देह रागी बनना पड़ेगा। और अगर मैं त्याग करके आत्मा के साथ में रहता हूँ तो मुझे आत्मभाव के अंदर आनंद आएगा। आत्मलक्षी हो तो मैं आत्मभाव के आनंद, हे आत्मा क्या ठंडी और क्या गर्मी, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये भी देख सकते हैं, आज भी देखिए सब साधु जीवन वाले भी हैं, साध्वी जीवन वाले भी हैं, दिगंबर मुनि भी हैं, दिगंबर माता जी भी है, वो कितना सहन करते हैं साहब, बहुत अच्छी तरह से सहन करते हैं। क्यों भाई साहब, उनका शरीर कोई अलग है क्या? फिजिकल स्ट्रक्चर तो बॉडी तो सबका औदारिक शरीर ही है। तो सहन करने के पीछे यहाँ मुख्यतः ये हेतु बनाई आपने कि अगर हम देह भाव में नहीं आते हैं तो फिर आत्मा को कोई तकलीफ ही नहीं है साहब। तो ये हमें अच्छी तरह से बता सकता है, नहीं तो राग द्वेष होंगे, फिर कर्म बनते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ठंडी आई तो भी क्या, गई तो भी क्या, गर्मी आई तो भी क्या, गर्मी बढ़ी तो भी क्या, कम हुई तो भी क्या, हमें अपनी तरह से सहन करके संता भाव में रहना है। क्योंकि सहन शक्ति का गुण है तो यह अपने साथ में ये सहन शक्ति आपके अंदर स्तर बढ़ते बढ़ते समता गुण को बढ़ाएगी। तो इससे अगर आपकी समता बढ़ जाती है तो राग द्वेष नहीं करने पड़ेंगे। समता घटेगी तो क्रोध मान माया लोग फिर तुरंत तैयारी है सब वो भी आ जाएंगे समझे कि नहीं, ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमने आज दिन तक अनंत काल तक राग द्वेष क्लेश कसाय करते करते वी बिकम मोर हैबिचुअल विद दैट। अब वो आदत लग गई है हमको, फटाफट कसाय करना है, फटाफट राग द्वेष करना है, एक सेकंड नहीं लगती है हम राग द्वेष क्लेश कसाय करने में। तो बेटर है कि हम सहन शक्ति बढ़ाएंगे तो समता का गुण बढ़ेगा। अब ये प्रयत्न अगर हम कर सकें तो बहुत बड़ी बात है साहब। अब यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल्स बहुत दिए हुए हैं, काफ़ी हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल में जाने से बहुत लेट होता जाता है। 22 परिसर देखने, चलो अब हम ये देख रहे हैं कंसर मॉस्किटोज वगैरह के जो हैं, मच्छर काटना वगैरह जो है डंस मशक, ये भी एक परिसर है ना, डांस जो है डंस परिसह। अब आप सामायिक करोगे व्रत आदि में रहोगे तो कभी मच्छर आकर के काटेगा, कभी मक्खी आकर के बैठेगी। अब हम लोग हमारे फिजिकल शरीर के लिए तो बहुत ओवर सेंसिटिव है, तो जब हम अपनी तरफ से ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे तो ये तो फिर शरीर के ऊपर ही लक्ष्य जाएगा।
महावीर स्वामी भगवान दीक्षा लिए माक्षर सुधी दशम और दोपहर को 12-1 बजे उनकी दीक्षा पूरी हो गई विधि। भगवान ने विहार किया, विहार किया और शाम को 5-6 बजे जहाँ पहुंचे और सूर्यास्त का टाइम हुआ तो मॉस्किटोज मच्छर भंवरे वगैरह बहुत आए। अब भगवान के शरीर ऊपर जो अंग विलेपन वगैरह काफी हुआ था तो उसके कारण सुगंध भी आ रही थी, तो वहाँ पर जो है मॉस्किटो दूसरे, अब है तो जंगल का एरिया था, अब वहां तो मक्खी मच्छर वगैरह काटने लग गए, तो महावीर तो अपनी तरफ से काय उत्सर्ग ध्यान में खड़े रह गए। अब ये तो नहीं बोल सकते कोई कि नहीं 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 दीक्षा का मुहूर्त आज अच्छा नहीं था और उनको मच्छर काटने लग गए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। आप 1000 गुना मुहूर्त अच्छा देख लो भाई, दुनिया में तो सब जगह मच्छर है नहीं वाले, अब आप कितना सहन कर सकते हो। अब न तो उन मच्छरों को मारने का विचार आना चाहिए, न उन मधुमक्खियों को या भंवरे को किसी को मारने का विचार आना चाहिए, ये तो हम अनंत जन्म में करके आए हैं ना। जब हम भी मिथ्यात्वी थे, जब हम भी कसाय परिणति वाले थे, हम तीव्र राजद्वेष वाले थे, तो ये तो हम करते आए, कई जीवों को करते आए। अब हमें क्या करना है, अब उस वृत्ति को नहीं सेवन करना, नहीं तो फिर वही चक्कर चलता जाएगा, फिर वही चक्कर बढ़ जाएगा सर, फिर राजद्वेष करो, फिर क्लेश कसाय करो, फिर आप उसको मारो, फिर वो आपको मारे, फिर ये भव बढ़ते जाए बढ़ते जाए। अब नॉट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अब उसी का रिपीटेशन हम करते रहेंगे तो कर्म बंध और होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये हमें टालना भी बहुत अच्छी तरह से है ऐसा। अब आइए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में भी सुना है, शास्त्रों में एग्जाम्पल है, साधु संत कहाँ कहाँ जंगलों में कायोत्सर्ग जाने करने जाते थे, श्मशान में जाते थे, कहीं ऐसी तरह से रुक करके वहां ध्यान करते, कायोत्सर्ग करते, तो परिसर तो आ नहीं। अब यहां पर हम आगे देखिए तो ये वस्त्र परिसह, अब वस्त्र के अंदर आपको किस समय कैसे वस्त्र मिले हैं, अब गर्मियों के दिन के अंदर पतले वस्त्र हल्के हो तो हमको अच्छा लगता है, ठंडी के विंटर सीजन के अंदर उलग के गर्म वस्त्र हो तो हमको अच्छा लगता है कि चलो भाई ठंडी तो रुकेगी, तो ये तो सीजन है तो सीजन तो चेंज होती रहेगी, लेकिन अब साधु जीवन के अंदर तो एक ही वस्त्र हमेशा रहता है पूरी लाइफ में, उनको तो और कुछ भी नहीं सोचना है समझेगा, तो ये होना है प्रकृति में तो परिवर्तन होना है, समय तो बदलेगा, समय के साथ तो चलना है, लेकिन हमको क्या सोचना है, ये वस्त्र अच्छे हैं ये वस्त्र खराब है, ये कलर है ये पसंद है ये नापसंद है, ये अच्छे हैं ये खराब है, तो ये नहीं सोचना है। वस्त्रों के निमित्त आत्मा को कर्म क्यों बंधा, ये बाहर के साधन है, शरीर को ढकने का साधन है, समाज में रहना है, समाज में चलना फिरना रहना है, पत्नी पुत्र परिवार सबके घर में है समझे कि नहीं, तो हमें अपनी मर्यादा का विवेक रखना है बस, तो शरीर ढक कर के संसार के व्यवहार में कार्य हो रहा है, अब उसमें वस्त्र के अंदर मोह दशा बढ़ाए, वस्त्रों के निमित्त राग द्वेष बढ़ाए, फिर कर्म बांधना, ये सभी निमित्त यही है, सभी जो परिसर के जितने निमित्त हैं सब मोहनीय कर्म बंधाने वाले हैं, सब राग द्वेष कराने वाले हैं, सब क्लेश कसाय कराने वाले हैं, सब कर्म बंधाने वाले निमित्त हैं। तो क्या करना, इतने अनंत जन्मों में इन्हीं निमित्तों से तो कर्म बांधते रहे, कई जन्म बीतते गए कई जन्म बीतते गए इनसे हम कर्म बांधते रहे। अब महावीर प्रभु ये समझा रहे हैं कि हे आत्मन, अब इन निमित्तों से कर्म बांधने का प्रकार बंद करना पड़ेगा, अब तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
फिर उन जीवों में हमारे में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कर्म बंधक के निमित्त आ गए, फिर वही चक्कर चलेगा, समझेंगे नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा को समझना बहुत समझना है। वस्त्रों में तो मोह दशा आनी ही नहीं चाहिए था। एक तो फायदा क्या हुआ भगवान ने हमारे लिए, श्वेत वस्त्र परिधान, दो वस्त्र हमको दिए, उसमें भी हमको सब गणित माप सिखाया है, सिए हुए वस्त्र पहनना नहीं है, फटे हुए वस्त्र पहनना नहीं है, जले हुए वस्त्र पहनना नहीं है, वस्त्रों में गांठ वगैरह लगानी नहीं है, नहीं तो सीने जाओ करने जाओ तो फिर फैशन आ जाएगी। तो कुछ नहीं, बस ऐसे का ऐसे वस्त्र लिया, ताका लिया, और एक वस्त्र दो वस्त्र एक ऊपरी वस्त्र शरीर को ढक दिया। आप आहार पाने के लिए, समाज में गोदरी पाने के लिए जाओ आओ, समाज के अंदर भी तो सबको, न तो मेरे निमित्त तो कोई कर्म बांधे, न दूसरों के निमित्त तो मैं कर्म बांधू। अब आखिर साधु जीवन है, आहार पानी गोदरी पानी तो रहेगा कि नहीं रहेगा, जाना आना तो पड़ेगा। अब साधु गोदरी पानी के लिए जाए, आहार भिक्षा के लिए जाए, न मिला, ग्रस्त के घर में तैयार हो न हो, हो न हो, मिले न मिले, तो चलो भाई कोई हरकत नहीं, न तो ग्रस्त को डांट फटकार सकते हैं, न कुछ दो शब्द बोल सकते हैं, कभी ज्यादा भी मिल गया, कभी नहीं भी मिला, कभी कम भी मिला, कभी प्रतिकूल मिला, कभी अनुकूल मिला, ये सारे हमें क्षुधा प्यास के परिसर में सहन करना है। क्योंकि भगवान ने साधु जीवन के आचार विचार ऐसे दिए हैं कि साधु चाहे तो भी हिमालय में जाके नहीं रह सकते, गुफाओं में जाकर के साधु नहीं रह सकते, क्योंकि उनको प्रतिदिन आहार पानी के लिए प्रासुक अन्न लेने के लिए ग्रस्त के ही आधारित रहना पड़ता है, आधीन रहना पड़ता है, तो फिर वो बात तो उनको देख लेनी है सर। ऐसी स्थिति के अंदर ये बड़ा हेतु बनाया है, तो वस्त्र आदि के पीछे हमें अपनी तरह से विरक्त रहना है। तो पहले तो वर्ण कलर रंग आदि तो लाए नहीं बीच में, तो सिलेक्शन का प्रश्न रहे नहीं, मोह तो आवे ही नहीं था। अब एक श्वेत वस्त्र शरीर को ढकने के लिए रखा है तो वो भी निमित्त ना है, मानसिक विचारों में राग द्वेष ना बने ये ध्यान रखते हुए किया है, समझेंगे। अब ये करते 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 आप आत्मा को एक बार जो है संस्कार पड़ जाए ना, तो फिर वस्त्रों की हमेशा उपेक्षा करते हैं। कोई वस्त्र के निमित्त कर्म बांधना ये बात होनी नहीं चाहिए, बननी नहीं चाहिए था, ये हमें टालना ही टहलना है था। तो यहाँ पर ये हेतु जो दिया है मुख्य रूप से, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से समझिया। और अति परिश्रम, अब पुरुष के मन में काम वासना जगे और वो स्त्री के विचार करे, या स्त्री साध्वी के जीवन में आकर पुरुष के प्रति काम वासना के विचार करे, रति अरति के भाव जो है, अब कर्म तो सत्ता में पड़े हुए है ना, संसार छोड़ा है, दीक्षा ली है, साधु जीवन में जरूर आए लेकिन सभी कर्म क्षय करके तो दीक्षा नहीं ली, कर्म होते हुए दीक्षा ली, जानते हैं कि मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां पड़ी हुई है, ज्ञानावर्ण्य की है, दर्शनावर्ण्य की है, अंतराय कर्म की है, सभी कर्मों की कर्म प्रकृतियां सत्ता में स्टॉक में पड़ी हुई है। साधु कोई सिद्ध बन करके तो नहीं आया है ना, तो आज वो साधना के मार्ग पर आरूढ़ हुआ है, दृढ़ संकल्प से प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं है, कर्म उदय में आएंगे, कल मानसिक रूप से विचार आ जाए, कल मानसिक रूप से विकार आ जाए, कल इच्छाएं हो जाए, सर कर्म का उदय तो होगा, लेकिन संयमेण तवेण यह, महावीर ये कह रहे हैं कि आप उतनी अच्छी तरह से संवर भाव से निद्रा भाव से आप इन कर्मों का क्षय करते रहो, कर्मों को ऊपर से दबाते रहो, जैसे जैसे आत्मगुण में स्थिर होंगे आप अपने कर्मों की निद्रा करते रहोगे। लेकिन कर्मों का उदय हो गया तो तुरंत इच्छा को पूर्ण करने के पीछे पागल नहीं बनना है,
इन निमित्तों से तो टालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम बचेंगे कैसे, नहीं तो बच ही नहीं पाएंगे। एक एव चरे लाढ़े अभी परिसहे गावे व नगरे भावी निगमे वा राय हानिये असमानो बरे चरे भिक्खु नेव कुंजा परिकहम असम संतो गिहते हिम अनिके ओ परिवहे। तो यहाँ पर जो मुख्य लक्ष्य दिया है, एक बार आत्मलक्षी भाव जागृत करना है। आत्मलक्षी भाव इतना अच्छा जागृत हो जाए और फिर हम समझें कि जानते हैं कर्म कितने हैं, कौन से कर्म हैं, कैसे कर्म हैं, कब कौन से कर्म उदय में आए, तब आत्मा को किस भाव में ले जाना। ज्ञान भी हमारे साथ है, ध्यान भी हमारे साथ है, तप भी हमारे साथ है, ये सारी साधना के उपाय हैं हमारे पास। आपको रोग बीमारियां होती है, दवाई लेकर के आप रोग को भी तो दूर करते हो, तो ये भी ज्ञान ध्यान स्वाध्याय संयम तप तपस्या सारे ही हमारे पास जितने प्रकार हैं, वो सब हमारे कर्मों के उदय को टालने में बहुत अच्छे निमित्त बन रहे। यही तो उपाय है। समुन्दर गहरा है, समुन्दर अगाध है, पानी खूब है, लेकिन लकड़े की नौका है ना। आप जानते हो लकड़े का स्वभाव खुद का तैरना है, और आप जानते हो कि लकड़े की नौका में बैठ कर के मैं खुद भी तैर सकता हूँ। तो अब समुन्दर के पानी से डरना या नौका में तैरना, अब दोनों को मैं अपनी तरफ से रखता हूँ। जब नौका हाथ में है और मैं समुन्दर के पानी से नहीं डरना चाहता हूँ, तो मैं उसमें तैर सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पर ये कहा है, रति अरति भाव आएंगे, विषय वासना के सुखों के विचार आएंगे, काम संज्ञा की इच्छा बनेगी, अनंत काल के संस्कार हैं, कर्म बंधे हुए हैं, पिछले भूतकाल के भवों से कर्म प्रकृतियाँ साथ में लेकर आए हैं हम। कभी भी ऐसे निमित्तों में कर्म के उदय होने की परिस्थितियां जगेगी बनेगी, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भाव से और तप तपस्या आदि भाव से और ज्ञान और ध्यान की साधना से, कायोत्सर्ग की साधना से, उन विकारों को वासनाओं को दबा करके फिर वापस कटा करके तुरंत आत्मा को अपने अध्यवसाय में शुभ भाव में ला सकते हैं। ऐसे निमित्त हमें समझने पड़ेंगे साहब। अब ये नहीं समझेंगे तो नहीं चलेगा, समझे तो ऐसी स्थिति में जो जिस प्रकार के हमको निमित्त दिए। अब यहाँ पर आपको चर्या परिसह विशेष रूप से एक एक के बाद एक एक निमित्त आ रहे हैं, तो गृहस्थों के साथ संबंध रहित रहे और रहित ऐसे छतो सर्वत्र विचरण विहार आदि करते रहे साहब। तो तीर्थंकर भगवान ने भी साधु संतों को आदेश दिया है, अगर आप एक ही स्थान पर ज्यादा रहोगे तो फिर मोह बंध के निमित्त आएंगे, फिर किसी न किसी के साथ राग द्वेष होते रहेंगे, तो ये हमें दूर करना बहुत जरूरी है। तो गांव गांव विहार करते चर्या परिसर को सहन करते हुए, मतलब जो हमारे साधु जीवन के अंदर विहार आदि आते हैं, तो ये विहार जो है यहाँ पर चर्या परिसर के नाम से लिया है। विचरण, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज यहाँ है कल वहाँ है। क्यों विहार दिया भगवान ने विहार? ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एक स्थान पर ज्यादा रहने रुकने से वहां के लोगों के साथ राग द्वेष के निमित्त बनते रहेंगे। परिचय ज्यादा हो जाता है, फिर परिचय ज्यादा होने से अब कभी ना कभी किसी न किसी के साथ, इनके साथ राग द्वेष, इनके साथ राग, कोई ना कोई निमित्त तो बना रहता है। ऐसे निमित्तों को टालना है तो साधु को विहार आदि कहा है। अब क्षेत्रांतर गमन देशांतर गमन, एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, अब विहार का अंतर भी बहुत रहता है, तो ठीक है रोज चलते 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 जाना है। क्यों चलते जाना है? फिर आप कहोगे नहीं नहीं महाराज, ये तो अब काल बदल गया। भाई साहब, काल तो बदलता ही रहेगा हमेशा,
काल तो बदल नहीं है, लेकिन अपने साधु धर्म को प्राधान्यता दे करके विचरण आदि करते हुए और लोगों से राग द्वेष कम करना है, छोड़ना है, निमित्त नहीं लेने बीच में, नहीं तो फिर बढ़ते जाएंगे सब। एक बार अगर हेतु समझ में आ जाए, उद्देश्य समझ में आ जाए, तो फिर वो आसान लगता है, फिर कोई बात ही नहीं। प्रयोजन क्या है ये समझना है तो साधु को तो दीक्षा ली तब से विहार तो अनिवार्य है। विहार करेंगे, क्षेत्र बदलेंगे। अब विहार करने से जिस क्षेत्र में नए स्थानों में जाओगे, आप भगवान का धर्म समझाते जाओगे, तो साधु जीवन इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक द पोस्टमैन, वन टाइप ऑफ द पोस्टमैन। तो वो तो भगवान की वाणी ला करके एक जगह दूसरे लोगों को प्राप्त कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। जगत के जीवों का कल्याण करने की जिम्मेदारी भी तो साधु के ऊपर है क्या? आज तो पंचम काल का कलयुग है, अब तो कोई भगवान तीर्थंकर तो पैदा होने वाले नहीं, पंचम काल में तो कोई भगवान नहीं हो। तो भगवान का कार्य करते करते साधु जीवन में विचरण करते हुए सबको अपनी तरह से जो है समझाना, सिखाना, धर्म प्राप्त कराना, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में सहयोगी निमित्त बनना, कितना बड़ा काम होगा सोचिए। ये हमें करते रहना है। चलिए आगे आ रहा है शैया परिसह। शैया परिसह सोने आदि के लिए पलंग चाहिए, कॉट चाहिए, बेड चाहिए, पिलो चाहिए, डबल पिलो चाहिए, ऐसा चाहिए, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं था। तो साधु के लिए उनको सिर्फ जो है भगवान ने संथारा दिया है। तो अब ये जो नाम दिया है यहाँ पर परिसर, शैया परिसर की बात की है। तो शैया सोने आदि के लिए। अब गृहस्थ जीवन में क्या है, आपने हर चीज में अनुकूलता, मुझे अच्छा अनुकूल लगे, मुझे बहुत अच्छा अनुकूल लगे, मेरे को तो ऐसा हो तो ही नींद आती है, मेरे को तो डनलॉक की गाड़ी हो तो नींद आती है, मेरे को तो पंखा होवे तो नींद आती है, फैन चाहिए, नहीं 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 मेरे को तो जो है एसी चाहिए साहब, मुझे तो एसी मिले तो ही नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आए। ये सब हमारे जीवन के अंदर बने हुए हैं सारे निमित्त, फिर उनके साथ हमारे राग द्वेष जुड़ जाते हैं, वही क्लेश कसाय मन में चलता है। लेकिन अब साधु जीवन में विहार प्रवास के अंदर तो रोज चलना है सब, और कोई संथारा आसन और उत्तर पड़ना हमने अपने खभे पर डाल दिया है, और विहार करके 20 किलोमीटर गए, जहाँ गए वहाँ जमीन पर जो है प्रमार्जना करके संथारा बिछाया, आसन बिछा करके सो जाते हैं सब, फिर उनको कोई विचार ही नहीं करना है। तो सोने के लिए भी संथारा पूरी सी दे दी, ताकि आप सोने के पहले भी आत्मचिंतन करके सोइए। एगो हम नथी में कोई ना हम न सक सही, मैं तो एक अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, आत्मा अकेली ही आती है, अकेली ही जाती है, नान दंशन संजुओ, आत्मा ज्ञान दर्शन आदि से युक्त है। तो क्या होगा कि आत्मचिंतन करके सोने से शरीर की चिंताओं पर ध्यान ही नहीं जाएगा आपको, क्योंकि साधु आत्मलक्षी है, देहलक्षी नहीं है। अब यही बात आप अपने लिए भी सोचिए साहब, नहीं तो आप भी राग द्वेष में जाओ। नहीं नहीं अब क्या है वो मति ज्ञान में मेंटल हैबिट, नहीं मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, नहीं मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, मेरे को ऐसा हो तो ही नींद आती है, मेरे को तो इतना हो तो ही नींद आती है साहब, नहीं तो नहीं आती, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो राग द्वेष बढ़ेंगे, फिर राग द्वेष बढ़ेंगे, क्लेश कसाय बढ़ेंगे, फिर कर्म बंधेंगे साहब, ये हमारे साथ चलता रहेगा, चक्कर बढ़ता रहेगा। सोचिए ऐसी स्थिति के अंदर कर्म बंध के निमित्त बहुत होते हैं, अर्थ ध्यान होता है, कर्म बंध होते हैं। आप लोगों को तो ठीक, हमारे साधु की बात जाने तो कई गृहस्थों को तो नींद नहीं आती है, नींद की बीमारियां होती है सब, इंसोम्निया वगैरह जो है, रात को 1 बज गए 2 बज गए, बिस्तर अच्छा है, सब कुछ है, डबल पिलो है, डबल सब कुछ है, एसी है, फिर भी नींद नहीं आ रही, तो वो स्ट्रेस एंड टेंशन में रहते हैं।
तो फिर नींद नहीं आएगी तो विचार तो आएंगे ना, फिर कर्म बंध तो होगा। तो यहां पर भगवान ने साधु जीवन के लिए सबसे बड़ा उपदेश देकर कि ये सब बात छुड़ा दी है, समझे कि नहीं। अब ये सोचते सोचते प्रयत्न कर जरूर किया गया है और इस तरह से आत्मा को समझाने की कोशिश भी की है। तो यहाँ पर जो है क्रोधादि कसाय टल जाए, राग-द्वेष आदि कर्म बंध के निमित्त टले, ये जरूर देखना है। विजय भाई अब मैं कितना भी फास्ट करूं तो भी 22 तो पूरे नहीं हो पा रहे। आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल स्टोरी और नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल, आई एम अवॉइडिंग एवरीथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन हियर, नो डाउट। मैं ये सोचता हूँ कि मैक्सिमम फास्ट करके वो क्या है, लिमिटेशन का डर हमेशा याद में सामने रहता है, तो मैं सोचता हूँ चलो भाई जितने हो सके उतने ही करो। सेकेंड क्लास फिर वापस आएगी तो परिसर के जितने बचे हुए हैं और भी आगे सोचेंगे। अब आपको सबको बात समझ में आनी चाहिए था, सभी अपनी तरह से समझने का प्रयास करेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। आज जरूर 13 है, कल 14 होगी, कल महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष गमन जो है वो, तो इसके अंदर कार्यक्रम जिस प्रकार का रखेंगे आप, तो ये हेतु है कि हम भगवान महावीर का निर्वाण अमावस्या को है, लेकिन कल 14 के दिन दोपहर शाम को अमावस्या बैठ जाती है क्या, दिन में तो 14 का टाइम है, उसकी टाइमिंग बताए हुए एस्ट्रोलॉजिकली कैलेंडर पंचांग के अंदर, तो कल 14 है, पक्षी प्रतिक्रमण है, तो कल तो क्लास वैसे भी नहीं रहेगी, और उसके बाद में श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः ये आप जाप करेंगे और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण जो है वो रात को 2:30 के बाद है। आप मेडिटेशन क्या करना है कि महावीर की आत्मा शरीर छोड़ करके मोक्ष गमन कर रही है, निर्वाण सा भगवान बैठे हैं, देशना दे रहे हैं, आप पावापुरी को देखेंगे, उस समय तो नाम अपापापुरी था, अभी अपभ्रंश होकर के बदल गया है, तो उस समय अपापापुरी में भगवान तो देशना दे रहे थे, 9 लच्छी 9 मल्लवी 18 देश के राजा और अस्थिपाल राजा की पौषध शाला के अंदर सैकड़ों साधु साध्वी जी है, श्रावक श्राविका है, राजा रानी आदि है, देशना चल रही थी, और रात को भगवान लास्ट में उत्तराधीन सूत्र का 36वां अध्ययन था और भगवान ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। तो पहले क्या है, उस समय योग निरोध होता है, अब योग निरोध की क्रिया में थोड़ी देर के लिए मतलब लोगों को तो ख्याल भी नहीं आता है, और थोड़े से अल्प काल के अंदर अब भगवान अपने अघाती कर्मों का क्षय करते हैं, नाम गोत्र वेदनी और आयुष्य, और जब यहाँ से भगवान ने अब अपने शरीर को स्थिर किया और सीधे उनको 90 डिग्री पर यहाँ सिद्ध शिला लोकांत में है, तो वहां पर आप ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, अब यहाँ से 1 भी डिग्री नहीं बदल सकती है। महावीर स्वामी अपनी तरह से यहाँ पर लास्ट में पद्मासन के अंदर स्थिर हो गए, पद्मासन में स्थिर होकर के भगवान ने योग निरोध किया, शैलेशीकरण किया और फिर स्थिरता लाए, आत्म प्रदेशों को सॉलिड फॉर्म में लाया, जो अंदर से वैकंट जगह थी वो सारी बदल करके 1/3 कम करके कंप्रेस करके आत्म प्रदेशों को स्थिर किया और फिर निर्वाण प्राप्त करके सीधे मोक्ष में गए, और जैसे ही मोक्ष में गए तो वहां पर उनकी आत्मा यहाँ स्थिर हो गई। अब वहां पर उनकी आत्मा स्थिर हो गई कितना समय लगा है, ये पूरा समय जाने का सिर्फ एक समय का काल है, सिर्फ एक समय के अंदर वहां पहुंच करके सिद्ध शिला के ऊपर, बस न तो कोई सिद्ध शिला पर बैठना भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, और वहाँ लोकांत भाग में जाकर के आत्मा स्थिर हो गई। ये दृश्य आप अपने मेडिटेशन में लाए,
सब कर्मों का क्षय यही होता है, एक भी कर्म अब बचता नहीं है, कोई भी कर्म नहीं बचेगा, एक अंश भी नहीं बचेगा, सर्वथा संपूर्ण सर्व कर्म का क्षय हो जाए और आत्मा सीधे निकल करके वहां पर लोकांत भाग में पहुंच जाए। सब डू दैट टाइप ऑफ मेडिटेशन अपापापुरी नगरी में वो दृश्य देखते हुए मेडिटेशन करिए, लेकिन वो टाइम रात को 2-2:30 बजे का है। अब उसके बाद देववंदन होता है, परमात्मा महावीर के मोक्ष गमन का देववंदन, एंड देन आफ्टर श्री महावीर स्वामी पार्वताय नमः, ये चैंटिंग करने के लिए जाप का मंत्र है। मिनिमम 20 माला तक हम जाप करेंगे। अब उसी तरह से मेडिटेशन, उसी तरह से जाप है कि भगवान ने देह छोड़ दिया और पार पहुंच गए, ऐसा उसका ये मंत्र है। तो मंडे के दिन यहाँ के हिसाब से मंडे है, और कल जो है पूरे दिन भर यही कार्यक्रम रहेगा, और फिर रात को मेडिटेशन आदि कर लीजिए। और अमावस्या जो चलती है वो मंगलवार तक है। मंगलवार के दिन शाम को 4:00 कुछ पर एक्लिप्स जो है, सोलर एक्लिप्स, ग्रहण लगेगा। ग्रहण काल के अंदर आहार पानी नहीं करना चाहिए, 4 से 7 बजे तक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में सबके लिए, इवन इन इंडिया और इवन इन फॉरेन, तो सब जगह पर उस ग्रहण काल के अंदर वी शुड अवॉइड एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। अब उसमें नवकार उपसक्रम जो भी स्तोत्र पाठ आप करना चाहें जरूर करिए। ख्याल है कोई बाहर जाना नहीं, किसी को देखना नहीं, कोई बाहर एटमोसफेयर में भी नहीं जाना, और अपनी तरफ से साधना करते रहिए, जाप करते। फिर वेनसडे को अर्ली मॉर्निंग इंडिया के हिसाब से 5 AM के समय गौतम स्वामी का केवल ज्ञान होता है, और गौतम स्वामी के देववंदन करते हैं। श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः, ये चैंटिंग मंत्र का जाप 20 माला करते हैं। आप 5:40 के आसपास निकल करके मंदिर द्वारोद्घाटन दर्शन कर सकते हैं। 6:30 के आसपास वार्षिक मंगलाचरण, नूतन वर्ष का पहला मंगलाचरण होगा, उसमें भी गौतम स्वामी का रास भी साथ में होगा। ये दोनों करिए आप अच्छी तरह से, और उसके बाद आप अपनी तरह से अपने गौतम स्वामी का पूजन पूजा भक्ति करिए, जिन प्रदेह परमात्मा की पूजा पूजन भक्ति करिए। फिर बाद में अपना लौकिक व्यवहार जो है, बिजनेस व्यापार व्यवसाय जो भी है, वो आप अपनी तरह से करते रहिए। ये है दीपावली का कार्यक्रम, अपनी साधना के लिए मुख्य रूप से बताया। आई हैड अ क्वेश्चन। आप हमेशा कहते हो कि हमारे में जैन धर्म में वी डोंट बिलीव के स्टार्स कैन डू एनीथिंग टू अस लाइक ऑल दैट, तो फिर ग्रहण के कैसे, मतलब हाउ इज इट बैड फॉर अस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। देखिए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराएं आदि है, अब उनका हिसाब करने जाएंगे, वो एक सोलर एक्लिप्स, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ग्रहण के अंदर ग्रहण होना ये नेचुरल प्रोसेस है, जस्ट लाइक एक्सीडेंट कैसे होता है वैसे है। सूर्य के विमान के साथ में राहु का विमान आएगा और ग्रहण होना नेचुरल है। रही बात किसकी कि मंगल शनि राहु केतु दे आर गिविंग सम बैड इफेक्ट्स टू अस और दे आर गिविंग सम गुड इफेक्ट्स टू अस, या उनके कारण ही हमारे सुख दुख है, उनके कारण ही, तो फिर हमारे कर्मों का तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर कर्मों का मतलब संबंध कुछ भी नहीं रहेगा। ये बताया यहाँ पर कि कर्म आपके आपको भुगतने हैं। You are listening this Uttaradhir Sutra Agam Shastra near, no doubt that there are near about the 2000 shlokas are there, but in not a single shloka they are not mentioning that due to the Mangal this is happening, due to the Shani this is happening, due to the Rahu and Ketu this is happening. Such type of verse is never, is not written in a single shloka.
But already Mahavir Swami is continue, they are repeatedly, they are using the karma word there. Due to that karma, everything is happening. Due to this karma, it is happening. तो ये अगर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा ये आपके सुख दुख का कारण बन जाए तो उनको कितना पाप लगेगा? सूर्य भी देवता है, चंद्र भी देवता है, मंगल भी देवता है, राहु केतु भी है। अगर वो सबको दुख देने लग जाए, रोज के प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों को दुख देने लगे तो उनको कितना कर्म बनता हुआ, उसका हिसाब कौन करेगा फिर? हाँ, यू सी दैट इन इंडिया देर इज द मिक्स कल्चर, नॉट ओनली द जैन्स आर लिविंग बट हियर द वैदिक पीपल, दोज हु आर बिलीविंग इन द वेदास आल्सो हिंदू पीपल, दे आर आल्सो लिविंग हियर। सो देयर मेंटालिटी इज दैट अकॉर्डिंग टू द ग्रह एवरीथिंग इज हैपनिंग, अकॉर्डिंग टू द ग्रह सुख दुख आदि, बट देर आर आल्सो समथिंग रॉन्ग बिकॉज दे आर सेइंग दैट द it is by only the God it is happening everything. But how can they say that due to the this type of Mangal and Rahu and Ketu this is happening, so there will be the controversy there. So Jain Dharma ke andar to ye nahi hai, lekin due to the mixed culture ye hamare andar bhi aisi mentality banti ja rahi hai. साहिब जी, तो ये सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स होती है, तो हाउ इज इट कॉजिंग बैड इफेक्ट्स ऑन अस देन? बैड इफेक्ट का मतलब देयर आर सम बैड रेज ऑफ दैट। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ ऑन द रोड, इफ देयर इज द क्रैश ऑफ द बस एंड द ट्रैक्टर और व्हाटएवर बी, एंड इफ इट विल बी जंपिंग एंड इट विल कम टू यू एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ एंड देयर इट विल कम एनीथिंग दैट इट मे हार्मफुल फॉर यू, they can anything for you. So why should we can do this? This is natural process. The sun is going in this direction and Rahu is coming in this direction. So there will be crash. And that time you see there is some type of the bad rays is already spreading everywhere. So you must avoid that time. For few hours you can avoid this time. And you can do your mantra, jap, sadhana vigare, ye aapke liye aur jyada achha ho jayega. Ji. Haan ji. Boliye Shweta. Tumeva sachyam. Shweta, haan. Kal ke hum aambel ke pachkan le sakte aaj? Haan, ugay sare tam kaar sim, bor sim, saar bor sim, sarge parimat samaga. वैसे चौबी एम पी आर एम तीन पेर सागर दिन सवस्था आयम बिलम पचकाय विगम सागर लिवाल काष्टम व्यासम पचकाय देवी एम पी आर एम काय सागर नाव दिन स्वामी गुरु भटन वाय दम सवस्था दया गण पणस लिव लिवच बहुल एनवा ससित्यन वा सित्यन वा वसिरे અગિયાર કૃષ્ણ હંસા દેવતા સાહેબજી કાલ માટે લઈએ તો આજે લઈ શકાય એવી રીતે मंगलानं च सर्वे सिंपरमं हवै मंगलम् मंगलम् भगवान वीरो मंगलम् गौतम प्रमो मंगलम् सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतोदम्बो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतोदम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम दम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मानां
आपका जब एक्लिप्स चल रहा होगा, आपकी शाम है, हमारी सुबह होगी, तो हमारी सुबह का जो टाइम है तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं कि जाप ही कर सकते हैं? जाप करना ज्यादा उचित बताया है, आप एक्लिप्स के टाइम पर खास करके जाप ही वरदान बताए, नवकार समुद्र पाठ आदि का जाप करिए। तो साइज जो कह रहे हैं प्रतिगमन का समय हो तो कराए, प्रतिगमन प्रतिगमन में तो बात होती है आराम से। तो ट्यूसडे इवनिंग जो अपना 7 o'clock का आपका क्लास है वो तो चालू रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लास तो 7 बजे का है ना, 7 बजे के पहले ग्रहण पूरा हो जाता है, तो सिर्फ जाप 4 से 7 का समय है, ग्रहण पूरा होने के बाद क्लास रखा है। तो हम जाप में जैसे लोगस वगैरह वो तो सब कर सकते हैं? हाँ सब करिए, भक्तामर जरूर करिए, सामायिक होती है, प्रतिक्रमण होता है, स्तोत्र पाठ होता है, मंत्र जाप होता है, और खास करके जब ग्रहण का अशुभ काल है तो ज्यादा पावरफुल मंत्र का जाप करना ही विशेष लाभकारी। મહાવીર ભગવાન ના આવતીકાલે કાલે સોમવાર રાતે, હા ભલે સાહેબ, ભલે ભલે સાહેબજી।